दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2022 में आज के दिन सिर्फ एक मैच खेला गया था और इस मैच के खत्म होने के बाद T20 वर्ल्ड कप 2022 के पॉइंट टेबल में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वर्ल्ड कप का नया पॉइंट टेबल बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर से सेमीफाइनल में जाने के लिए किस टीम को कितना मैच जीतना पड़ेगा। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और T20 वर्ल्ड कप 2022 का नया पॉइंट टेबल बता देते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप ए के पॉइंट टेबल के बारे में। तो ग्रुप ए के पॉइंट टेबल में छठवें पोजीशन पर है आयरलैंड की टीम, जिसने अभी तक सिर्फ एक मैच खेला है और उस मैच में आयरलैंड की टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से टोटल एक में से एक मैच हार करके जीरो अंकों के साथ आयरलैंड पॉइंट टेबल में सबसे नीचे और इनका नेट रन रेट -2.467 है और आयरलैंड का सेमीफाइनल में जाने का चांस बहुत ही ज्यादा कम है। इसके बाद पॉइंट टेबल में पांचवें पोजीशन पर अफगानिस्तान की टीम, और अफगानिस्तान की टीम ने अभी तक सिर्फ एक मैच खेला जिसमें उसे इंग्लैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से टोटल एक में से एक मैच हार करके जीरो अंकों के साथ अफगानिस्तान पॉइंट टेबल में पांचवें पोजीशन पर है और इनका नेट रन रेट -0.620 है। इसके बाद पॉइंट टेबल में चौथे पोजीशन पर है आज के मैच की विनर यानी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम, और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अभी तक दो मैच खेला है जहां पर एक मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम हार गई और एक मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत गई, जहां पर आज खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को हरा दिया। तो इस वजह से टोटल दो में से एक मैच जीत करके दो अंकों के साथ ऑस्ट्रेलिया पॉइंट टेबल में चौथे पोजीशन पर है और इनका नेट रन रेट करेंटली माइनस में चल रहा है। इसके बाद पॉइंट टेबल में तीसरे पोजीशन पर है इंग्लैंड की टीम, और इंग्लैंड की टीम ने अभी तक सिर्फ एक मैच खेला है जिसमें इंग्लैंड ने अफगानिस्तान को हरा दिया। तो इस वजह से टोटल एक में से एक मैच जीत करके दो अंकों के साथ इंग्लैंड पॉइंट टेबल में थर्ड पर है और इनका नेट रन रेट +0.620 है और इंग्लैंड की टीम को सेमीफाइनल में जाने के लिए बच्चे हुए चार में से तीन मैच जीतना पड़ेगा। इसके बाद पॉइंट टेबल में सेकेंड पोजीशन पर है आज के मैच की हारने वाली टीम यानी कि श्रीलंका की टीम, और श्रीलंका ने अभी तक टोटल दो मैच खेले हैं जहां पर एक मैच में श्रीलंका जीत गया और एक मैच में हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से दो में से एक मैच जीत करके दो अंकों के साथ श्रीलंका पॉइंट टेबल में सेकेंड पर है। और इसके बाद पॉइंट टेबल टॉपर के बारे में बात करें तो यहां पर है केन विलियमसन की कप्तानी वाली यानी कि न्यूजीलैंड की टीम, और न्यूजीलैंड की टीम ने अभी तक सिर्फ एक मैच खेला है जिसमें न्यूजीलैंड की टीम जीत गई। तो इस वजह से टोटल एक में से एक मैच जीत करके दो अंकों के साथ न्यूजीलैंड पॉइंट टेबल में टॉप पर है और इनका नेट रन रेट +4.450 है और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल में जाने का 85% चांस है। इसके बाद बात करते हैं ग्रुप बी के पॉइंट टेबल के बारे में यानी कि उस ग्रुप के बारे में जिसमें भारत पाकिस्तान जैसी दमदार टीमें हैं। तो ग्रुप बी के पॉइंट टेबल में छठवें पोजीशन पर है नीदरलैंड, जिसने अभी तक सिर्फ एक मैच खेला और उस मैच में नीदरलैंड की टीम हार गई। तो जीरो अंकों के साथ नीदरलैंड पॉइंट टेबल में सबसे नीचे और इनका नेट रन रेट -0.450 है। इसके बाद पॉइंट टेबल में पांचवें पोजीशन पर है पाकिस्तान, जिसने सिर्फ एक मैच खेला और पाकिस्तान को उसी मैच में चिर प्रतिद्वंदी भारत के हाथों हार का सामना करना पड़ा। तो जीरो अंकों के साथ पाकिस्तान पांचवें पोजीशन पर और इनका नेट रन रेट -0.050 और पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने के लिए दक्षिण अफ्रीका समेत लगभग तीन मैच जीतने पड़ेंगे। इसके बाद पॉइंट टेबल में चौथे पोजीशन पर है जिम्बाब्वे, और जिम्बाब्वे का शानदार किस्मत था, इस वजह से वो दक्षिण अफ्रीका से नहीं हारा और एक में से एक मैच टाई खेल करके यानी कि ड्रॉ खेल करके एक अंकों के साथ जिम्बाब्वे फोर्थ पर है। वही दक्षिण अफ्रीका पॉइंट टेबल में तीसरे पोजीशन पर है, और अफ्रीका ने भी एक
मैच खेला है जो कि बारिश के चलते धूल हो गया था, तो इस वजह से अफ्रीका एक अंकों के साथ पॉइंट टेबल में थर्ड पर है। वहीं पॉइंट टेबल में सेकेंड पर है भारत की टीम, और भारत ने सिर्फ एक मैच खेला और इस मैच में भारत ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हरा दिया। तो दो अंकों के साथ इंडिया सेकेंड पर और इनका नेट रन रेट +0.050 है। वहीं पॉइंट टेबल टॉपर है बांग्लादेश, और बांग्लादेश ने सिर्फ एक मैच खेला है जिसमें बांग्लादेश जीत गया। तो दो अंकों के साथ बांग्लादेश टॉप पर और इनका नेट रन रेट +0.450 है। तो यही था T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज का नया पॉइंट टेबल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।